सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी आवाज को, हमारी मांगों को सुने और उसका हल भी कर रहे। कश्मीरी पंडित पिछले 34 साल से जलाई वतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है और हमारी मांग है सरकार से, कश्मीरी पंडित कश्मीर में फिर से बसना चाहता है क्योंकि कश्मीर हमारी मातृभूमि है। कश्मीर से बाहर रहकर 34 साल से हमारी कम्युनिटी हमारी खत्म हो रही है, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और हमें कश्मीर में फिर से आबाद किया जाना चाहिए और जो कश्मीरी पंडितों का 34 साल का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद का है, उसको दिया जाए। कश्मीरी पंडितों की जमीन पर जो नाजायज कब्जे हुए हैं, मंदिरों की जमीन पर जो नाजायज कब्जे हुए हैं, उसको छुड़ाया जाए। ये हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। सरकार से मांग करते हैं हमें 5 असेंबली सीट्स और 2 पार्लियामेंट सीट्स दी जाए, रिजर्व रखी जाए और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में बाजाबता तौर पर इलेक्शन किया जाए ताकि कश्मीरी पंडित इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे चुन सके। हम नॉमिनेशन पर मांग नहीं करते हैं, हम पॉलिटिकली रिजर्वेशन इलेक्शन के जरिए मांग रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का रिलीफ होल्डरों का जो माहवार रिलीफ है वो बिल्कुल नाकाफी है, उस पर गुजारा नहीं हो रहा है। सरकार से हमारी मांग है 13,000 से 25,000 किया जाए और जो प्रॉपर्टी का नुकसान 34 साल का हुआ है उसको दिया जाए। कश्मीरी पंडित यूथ बेरोजगार नौजवान जो है, पढ़ा लिखा है, वो पुलिस फोर्स में जाना चाहता है, देश की खदमत करना चाहता है, जम्मू कश्मीर की आम आवाम की खदमत करना चाहता है, उसके लिए हम मांग करते हैं सरकार से कश्मीरी पंडितों के लिए ऑन स्पॉट जगती में पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जाए ताकि हमारे यूथ को पुलिस फोर्स में जाने का मौका मिल सके। हमारी कम्युनिटी में आज जगती में हिरासमेंट की जा रही है, जो कश्मीरी पंडित बुजुर्ग लोग बाहर अपने बच्चे के पास 10 दिन या 15 दिन जा रहे हैं तो उनको पीछे से उनके क्वार्टरों को सील किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। हम सरकार से, रिलीफ कमिश्नर से और एलजी महोदय से विनती करना चाहते हैं, इस गुंडागर्दी को रोका जाए। हमारे बुजुर्गों, हमारे माताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है जगती में, इसको रोका जाए। हमें लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हिरासमेंट की जा रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कैंप छोड़कर चले जाए और माइग्रेंटों को जम्मू में बगाने की साजिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जम्मू के लोगों की तरफ से नहीं है। जम्मू के लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें साथ दिया है 34 साल में, लेकिन सरकार की तरफ से हमें हिरासमेंट हो रही है ताकि कश्मीरी पंडित तंग आकर अपने कैंप छोड़कर चले जाए। इसके लिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको रोका जाए और देखा जाए करप्शन का जो बिजनेस बनाया गया है, कवाटरों को सेल की जा रही है, एक दूसरे से लिए जाते हैं, दूसरों को दिए जाते हैं पैसे लेकर। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विक्टिम है जिसके मां के साथ अनदेखी की गई है, घसीटा गया है, उसको गाली गलौज किया गया है तहसील ऑफिस पर, वो खुद बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। हम समीर रैना है जी। हमारा फ्लैट मेरी माता जी का सील किया गया था, तो हमने जब अप्रोच किया ऑफिस में, हम लोग कहीं बाहर थे, तो उन्होंने बोला था कि ये फ्राइडे को आके आप आ जाइए, माता जी को साथ ले आइएगा, तो हम ये कर देंगे अनलॉक। लेकिन जब हम गए वहाँ पे, मेरी माता जी और मेरी वाइफ, तो वहाँ पे कुछ हीटेड एक्सचेंज है, उन्होंने मना कर दिया आपका नहीं अनलॉक होगा। तो मैं वहाँ पे ही था, बाहर खड़ा था, तो इन बिटवीन जो वहाँ पे तहसीलदार है, उन्होंने मेरी माँ को बोला आप दफा हो जाइए, बाहर मरिए, बाहर जाके मरिए। तो जब मैंने बोला मैडम यू आर एन ऑफिसर, यू शुड माइंड योर लैंग्वेज, ये अभद्र भाषा नहीं, फिर मुझे और मेरी कौम को बोला आप थर्ड रेट हो। रेसिज्म की टिप्पणी करी गई मुझ पे और मेरी कौम पे, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसके बाद मुझे गुंडा बोल के इस पुलिस को बुलाया गया, इस गुंडे को आप अरेस्ट कर लीजिए और ये पढ़ा लिखा क्रिमिनल है।
जबकि मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2008 में, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। उसके बाद भी इनकी ये शांत नहीं हुए, उसके बाद लायन फोर्स वाले मेंटेनेंस वाले बुलाए गए और हमें हॉस्टेज रखा गया, इससे भी ये शांत नहीं हुए। फिर इन्होंने री इन्फोर्समेंट मंगवाई रिलीफ ऑफिस से, मुझे कोई 20-25 लोग जिसमें ऑर्डरली क्लर्क्स और एक ACR के साथ मुझे दर्द हुए, मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज किए, मैंने बोला मैं किस बात की अपोलोजाइज करूँगा, अपोलोजाइज ये करेंगे इन्होंने मेरी माँ भगवान है मेरे लिए इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इन बिटवीन मेरी माँ फैंट हो गई और मेरी वाइफ भी फैंट हो गई, तब वहाँ पे जो ऑन स्पॉट दूसरे प्रशासन के लोग थे उन्होंने हमें मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर जाने दिया, दैट्स इसलिए हम आज आपके सामने आए। मकसद है कि हमारे साथ हरासमेंट हो रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए कि जगती में जो क्वार्टर है क्यों उनकी खरीद फरोख होती है, ये रिलीफ कमिश्नर की जिम्मेवारी है और हम LG महोदय से विनती करते हैं जो हमारे साथ हरासमेंट हो रहे हैं उसको रोका जाए, कोशिश कर ले हमें कश्मीर में बसाने की, और जो हमारे मांगे मुतालबात है खासकर रिलीफ की मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए और हल किया जाए, इसी के लिए हमने आपको आज यहाँ बुलाया है ताकि आप हमारी इन मुद्दे मसलों को हाईलाइट करके सरकार तक पहुंचाओगे। आपने हमें बार बार मदद की है और प्रेस मीडिया पर हमें बहुत ज्यादा आशा है जो हमारी मांगों को उबारते हैं, उछालते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ आप से हम इजाजत लेकर आपका धन्यवाद करते हैं।